नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 6 मई को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराने वाली अभियुक्ता को गुलेरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। सड़क सुरक्षा व विद्यालय परिवहन को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। कहा, सड़क दुर्घटना के बचाव के लिए चौराहों का किया जा रहा है सुंदरीकरण, लोगों को ट्रैफिक विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति किया जा रहा है जागरूक। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस और नगर निगम की टीम ने चलाया ऑपरेशन ब्लैक फिल्म अभियान। ब्लैक फिल्म में लगी चार पहिया वाहनों की चेकिंग कर उतारा गया ब्लैक फिल्म। दुकानों पर बिक रहे ब्लैक फिल्म को किया गया जब्त। की गई चालान की कार्यवाही। कहा, ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी को किया जाएगा सीज। एक सौ 141 माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों का जिलाधिकारी के निर्देश पर किया गया जांच। जिलाधिकारी ने कहा, कमी पाए जाने वाले विद्यालयों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही। केंद्र सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर लगाया रोक। मंडल में गेहूं खरीद का कार्य हो रहा है तेजी से। संभागीय खाद्य नियंत्रक प्रेम रंजन सिंह ने कहा, टीम किसानों के घर घर जाकर खरीद रही है गेहूं। किसानों को उनके उपज का मिल रहा है सीधा दाम। यूडाइस के अंतर्गत डाटा फीडिंग की अधिकारियों की बैठक बीएसए रामेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, सभी प्राइवेट व राजकीय विद्यालय यूडाइस पर जल्द से जल्द फीड करें अपना डाटा। बरसात से निपटने के लिए जिला प्रशासन की जोरों पर चल रही है तैयारी। नालों की सफाई के साथ बंधों के मरम्मत का कार्य चल रहा है जोरों पर। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। जल्द ही रामगढ़ ताल में 5-स्टार क्रूज पर जोड़े ले सकेंगे 7 फेरे। डिनर व पार्टी की भी रहेगी व्यवस्था। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। और अल्ट्रासाउंड सेंटरों और अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होमों की नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा की जा रही है निगरानी। शिकायत मिलने पर की जाती है छापेमारी कर वैधानिक कार्यवाही। सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाने वाली महिला को गुलेरिया व महिला पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्ता को ग्राम जंगल जुमरी नंबर 2 टोला खपड़हवा से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रीना देवी पत्नी स्वर्गीय छोटे लाल निषाद निवासी ग्राम व पोस्ट जंगल जुमरी नंबर 2 खपड़हवा थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 6 मई को मृतक छोटे लाल पुत्र स्वर्गीय राजा राम निषाद निवासी जंगल डुमरी नंबर 2 टोला खपड़हवा थाना गुलेरिया गोरखपुर की उनकी पत्नी रीना व उसका प्रेमी रामदरस द्वारा पूर्व नियोजित योजना बनाकर बर्फ तोड़ने वाला संबल से मृतक छोटे लाल की मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में स्थानीय थाने में रामदरस कन्नौजिया पुत्र राम नारायण निवासी अज्ञात दूसरी रीना देवी पत्नी स्वर्गीय छोटे लाल निषाद निवासी ग्राम व पोस्ट जंगल जुमरी नंबर 2 टोला खपड़हवा थाना गुलेरिया पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्ता ने बताया कि मेरे और रामदरस के प्रेम संबंध में मेरे पति छोटे लाल बाधक बन रहे थे, इसलिए हम दोनों ने योजना बनाकर मेरे पति छोटे लाल की बर्फ तोड़ने वाले संबल से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई तथा आला कत्ल के बारे में पूछने पर बताया कि आला कत्ल रामदरस अपने साथ लेकर चला गया, उसी के पास है साहब, वही बता पाएगा कि संबल कहाँ रखा है। उन्होंने बताया कि अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलेरिया थाना प्रभारी उमेश कुमार वाजपेयी, महिला थाना प्रभारी प्रभा, उपनिरीक्षक सुदेश कुमार शर्मा, राम अभिलाष पांडे, कांस्टेबल महफूज सूरज गुप्ता, राजू यादव, महिला कांस्टेबल नेहा सिंह, रेखा पाठक, आशा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, के साथ बात करना
उसका फोटो है ये दिनांक 6/5 को एक छोटे लाल नामक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली थी, जो कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मृत्यु जिंदगी हो गई। उसके संबंध में प्रारंभिक रूप से उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि ये एक्सीडेंट की घटना है, लेकिन पुलिस ने छानबीन किया, कुछ संदिग्ध गतिविधियों के आधार पे अपनी जांच को आगे बढ़ाया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक उमेश वाजपेयी की टीम ने लग के इसको वर्कआउट किया। इसमें इनकी पत्नी द्वारा अपने एक प्रेमी के सहयोग से उनकी हत्या की गई थी, और चूँकि वो शराब पीने का आदी था और इनको मारता पीटता था और इनके दूसरी जगह संबंध थे, तो इन्होंने उस जो इनके प्रेमी था उसके साथ में मिल करके अपने पति छोटे लाल की हत्या कराई। ये प्रारंभ में तो इन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंट का मामला है, और चूँकि पत्नी स्वयं कह रही थी इसलिए उस तरह से कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन हम लोगों का संदेह प्रारंभ से ही था, और कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले थे जिससे कि ये साबित हुआ कि हत्या इन्हीं के द्वारा कराई गई। ये एक कुदाल जिसे बर्फ तोड़ते हैं उससे सिर पर वार करके हत्या की गई। इसमें दो लोग शामिल थे, एक ये महिला और एक इसका प्रेमी। आला कतल अभी जो इनके साथ में अभियुक्त सहअभियुक्त है उससे बरामद किया जाएगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति, जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अध्यक्ष जिलाधिकारी विजय किरण आनंद द्वारा गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है तथा दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने हेतु सभी स्टेक होल्डर्स को प्रभावी तथा कड़े कदम उठाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मुख्य अभियंता PWD गोरखपुर को स्मार्ट रोड कॉन्सेप्ट के अंतर्गत स्मार्ट जंक्शन बनाए जाने के निर्देश दिए गए। अधिकतम सड़क दुर्घटना वाले 16 पॉइंट्स ब्लैक स्पॉट्स पर सुधारात्मक कार्रवाई कराए जाने तथा कृत कार्रवाई के डिजिटल वीडियो फोटोग्राफ्स 15 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 15 दिन में कराए जाने के निर्देश सचिव को दिए गए और महानगर में 16 स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था हेतु सर्वे उपरांत टेंडर जारी किए जाने के विषय में अवगत कराया गया। सड़क सुरक्षा जागरूकता के प्रति बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाए जाने हेतु विद्यालय प्रधानाचार्यों की बैठक में प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए जाने पर जोर दिया गया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन हेतु लिए जाने वाले मासिक शुल्क ₹1,965 निर्धारित किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। सोलेशियम स्कीम के तहत हिट एंड रन के मामलों में घायलों को 50,000 एवं मृतकों को 2,00,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने के संबंध में अपर जिलाधिकारी नगर को नोडल अधिकारी नामित किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे कि सभी लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके और सड़क पर वाहन दुर्घटना में कमी आए, जिसको देखते हुए विभिन्न चौराहों के सुंदरीकरण का कार्य किया गया, रीडिजाइनिंग का कार्य किया गया और रोड बाइंडिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा सभी लोग ट्रैफिक रूल का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा व अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तब तक सड़क दुर्घटना को कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए शासन के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है, जिससे कि सभी लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीमारियों से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं, इसलिए हमारा प्रयास है कि लोगों को जागरूक कर सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। सड़क दुर्घटना के पश्चात एम्बुलेंस के निर्धारित समय सीमा के भीतर पहुंचने तथा आवश्यकता अनुसार नजदीकी हॉस्पिटल, चिकित्सालय, मेडिकल पहुंचाए जाने के संबंध में एम्बुलेंस चालकों को प्रशिक्षित करने तथा निर्देशित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर ARTO श्यामलाल, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, BSA रमेंद्र सिंह, TSI मनोज कुमार राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आज सब दो मीटिंग है, इसमें एक जिला सुरक्षा समिति है, जिला विद्यालय परिवहन समिति का मैं मीटिंग हुई है, हाईवे मौजूद है। पिछली जो कार्यवृत्ति थी उसमें कुल
नौ जो है वो पुलिस से कौन उन्नीस में सर हमारे 10 थे वो सबको इलेक्ट्रिकल हो गया। छह मतलब क्या हुआ? नाइन लेयर जंक्शन कब शुरू होगा था? सबसे ज्यादा हमारे हॉटस्पॉट कहाँ हैं, ब्लैक स्पॉट कहाँ हैं? ये हमारे जो अभी कौन से रोड पे? लखनऊ रोड पे। हाँ लखनऊ रोड। लखनऊ रोड पे कहाँ पे सर? और के बीच में एक्सीडेंट होते हैं ना, उसका वहाँ पे क्या रीडिजाइन हुआ है? नौकड़ में है, वहाँ के जो मंदिर है वो एक्सेप्टेड एज बिजनेस एज यूजुअल। और अब मीटिंग में कोई उसको इंटीग्रेट देखता नहीं, आप आईडिया में इसको क्यों नहीं बुलाया? तो नगर निगम से कौन है? प्लीज टेक दिस मीटिंग वेरी सीरियसली, इस मीटिंग को बहुत सीरियसली लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं खुद ही गवाह हूँ, 5 साल से इसके ऊपर ना नगर निगम ने किया है ना प्राधिकरण ने किया। एक जंक्शन भी ऐसा नहीं है जिसमें हम बोल सके देखे एक्सीडेंट नहीं होगा। किसी जगह बे एरिया कितना है, किसी जगह बैरियर भी नहीं है, पेडेस्ट्रियन पाथवे नहीं है, वे सड़क पर नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा आदमी? हवा में। माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा है कि सड़क सुरक्षा को एक जन आंदोलन बनाया जाए, इसके लिए विभिन्न चौराहों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। आपने देखा होगा हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करके वहाँ पे सुधारात्मक कार्रवाइयाँ, रोड रीडिजाइनिंग का काम किया जा रहा है, जंक्शन का इंप्रूवमेंट का काम किया जा रहा है, रोड वाइडनिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा, सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए अपने सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा और अपने साथी पेडेस्ट्रियंस की सुरक्षा के लिए बिहेवियर चेंज नहीं करते हैं, तब तक हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। आप सब जानते हैं कि सड़क सुरक्षा के प्राविधानों का पालन ना करने की वजह से बीमारियों से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं दुर्घटनाओं से, सड़क दुर्घटनाओं से। इसलिए हमें जागरूक होना है, एक दूसरे को प्रेरित करना है और 100% नियमों का पालन कराते हुए इसको एक जन आंदोलन बनाना है। लगातार उसमें अभियान चल रहा है, उनका प्रवर्तन भी हो रहा है। सभी फिटनेस सर्टिफिकेट की गाड़ियों को ही हम लोग स्कूल बसेस का परमिशन देंगे और इसके लिए RTO कार्यालय, हमारा पुलिस प्रशासन प्रवर्तन की कार्रवाई करेगा और नियमित रूप से ये चलता रहे। बैठक में सब कौन कौन लोग शामिल होंगे? इसमें आपके हमारे परिवहन विभाग के, UPSRTC के, हमारे स्कूल प्रबंधकगण, हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण सभी सम्मिलित होंगे ताकि सभी के समन्वय से हम लोग अच्छे परिणाम यहाँ प्राप्त करा सकें। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस और नगर निगम की टीम के साथ गोलघर काली मंदिर के पास चारपहिया वाहन पर लगे ब्लैक फिल्म को चेकिंग कर उतारा गया। वहीं दुकानों पर छापेमारी के दौरान बिक रहे ब्लैक फिल्म को जब्त करके दुकान के ऊपर चालान की कार्यवाही भी की गई, जिसके संबंध में SP City कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि पुलिस और नगर निगम टीम के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फिल्म अभियान चलाया जा रहा है। कार श्रृंगार दुकानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में ब्लैक फिल्म बरामद की गई है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि जनपद में जितने भी कार चालक हैं वह ब्लैक फिल्म का प्रयोग ना करें, यह नियम विरुद्ध है। अगर कोई भी ब्लैक फिल्म अपनी गाड़ी पर लगाकर चलेगा उसकी गाड़ी को सीज कर चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गाड़ियों पर लगे ब्लैक फिल्म की आड़ में अपराध होता है, मेरा यही उद्देश्य है, जो भी ब्लैक फिल्म लगाकर अपराध करता है वह अपराध ना कर पाए। इस अवसर पर प्रवर्तन दल के प्रभारी CP सिंह, जटेपुर चौकी इंचार्ज संजय गुप्ता सहित अन्य पुलिसकर्मी एवं नगर निगम की टीम मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल CP सिंह एवं SP City कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, आगे बढ़ाओ, शीशा ऊपर करिए पूरा, तो बंद करिए इसको।
पास। कहाँ गया? अरे उसका नंबर था ना, 5 रोल थे ना टोटल, 5 थे। कहाँ गया लेटर गया? जो दरखास्त थी ना जिसमें हम लोग लिखवाया था, कराओ और फिर जो भी लेना उसकी फोटो ले लो, उसके बाद फिर बैठ देते हैं बोल। जो नियम, जो हम लोग का नियम है कि एक किलो तक का ये हमारा 5,000 है, एक किलो से 5 किलो तक, फिर उस पर लगाते हैं 10,000। दस हमने नई मुहिम के तहत जो इलेक्ट्रिक लगाता है, उसके ऊपर माता 10,000, 15,000, 20,000 का चालान हो रहा है, अगली बार से दुकान बंद होगी। अगर किसी ने भी ब्लैक फिल्म लगाते हुए पाया गया, अगर आपके दुकान के बाहर ब्लैक फिल्म लगी हुई गाड़ी मिली, और तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि आप लोग इसमें कर रहे हैं। दूसरा, कोई भी नंबर प्लेट लगाता है, नंबर प्लेट लगाता है, सबको पता है कि नंबर प्लेट लगाते हैं आप, बस सिर्फ वो कह देता है नंबर और उस पर लगा देते हैं आप। जब तक के लिए आपको RC वगैरह, आपका पहली बार नंबर प्लेट लगाने का अधिकार ही नहीं है, RTO का काम है नंबर प्लेट लगाना, उसको कहिए नंबर प्लेट लगाना है, तो RTO जाएँ और अपना सुन लें। ये दो बातें हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप, कोई ब्लैक फिल्म नहीं लगाएगा और कोई झूठी नंबर प्लेट नहीं लगाएगा, बस इसको ध्यान रखिए। और तीसरा, जो कल SP ट्रैफिक साहब ने आपके साथ मीटिंग हुई थी और जो लोकल पार्षद थे अजय राय, वो मीटिंग हुई कल थी? आज पेपर में भी है, सबको पता है, जब कल बताया गया था एक सिंगल लाइन लगाएंगे आप, फिर वही दोबारा आपने वही काम कर दिया, क्यों किया? जब मीटिंग का कोई मकसद होता है, अगर SP ट्रैफिक सीनियर ऑफिसर है पुलिस के, उन्होंने आपके साथ कुछ किया, हम आपका भला कर रहे थे, हमने भी वही आपसे बता जवान दी थी कि आपकी रोजी रोटी चलते रहे, सरकार गरीबों के साथ में है और शॉपकीपर्स की भी रोजी रोटी चले, आपकी भी रोजी रोटी चले, तो आपका भी फर्ज बनता है। ये नहीं कि आप जो मर्जी गंदगी करें, जो मर्जी, हमने कहा था डस्टबिन रखोगे और एक लाइन लगाओगे सिंगल, नहीं मानते तो क्या चाहते हो, मैं जबरदस्ती करूँगा साहब का, जबरदस्ती करूँगा फिर आपको चिल्लाएंगे? तो आप लोग खुद भी सोचो, अगर मैं तुम्हें, तुम्हारे साथ इतना लीनियंट है, सरकार तुम लोगों के साथ लीनियंट है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि शहर आपका है, सबका आपका है कि नहीं, आप ही लोग का शहर है ना, यहीं से रोजी रोटी चल रही है, फिर तो आप अपना गंदगी मत करो, अपना एक डस्टबिन रखो, एक लाइन से अपने गाड़ियां लगाओ, बात खत्म हो गई है, हमें कहने का मौका मत दो। गार्ड वाली व्यवस्था हो जाएगी तो सही रहेगा। मैंने ही बुलाया था, हाँ पता, मेरे को मैसेज मिला है, वो मेरे पास मैसेज भी आ गया, हाँ मैंने ही बुलाया था और मैंने ही मीटिंग बैठाई थी यहाँ पे। हाँ, ये फैसला हुआ जब SP ट्रैफिक साहब आए थे कि आप लोग, मैं लाइन बना के दूंगा, आप लोग लाइन खींच, ठीक है, ये नहीं बोला था कि एक गाड़ी का, बोला था लाइन खींच लीजिए। और अभी आज मैंने मीटिंग बुलाई थी तो कोई आया नहीं, मैं अकेले पर क्या करूँगा, कलेक्टिव एफर्ट है, मैं बता रहा हूँ, ये कलेक्टिव एफर्ट है और जैसा SP CD साहब ने बोला है,
जो साहब का अपना पुलिस का रोल है, जो मेरा रोल है, मैं फिर मैं करूंगा, मैं उठवा के डांग के लेके जाऊंगा, सीधा जाना करूंगा, बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सबका काम है मेंटेन करना, ठीक है। देखो एक तुम्हें मोटा फंडा बता दे, मैकेनिक काम है, अगर गाड़ी आने लगती है आप उसको रिपेयर ही मत करो, बात खत्म हो गई। देखिए कौन नहीं मानता, और गार्ड की बात है वो हम लोग उसको उसमें मैं आऊंगा बैठूंगा करवाऊंगा। आज कार्रवाई वो अभी हम लोग अभी ऑपरेशन ब्लैक फिल्म का एक अभियान चला था, आज ये तीसरा दिन इस ब्लैक फिल्म का अभियान का है। तो मैं और SPCT साहब हैं और जड़े पर पुलिस चौकी इंचार्ज हैं संजय गुप्ता साहब और उनके SI हैं अपने सुधांशु सिंह, ये हम लोगों ने सब मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया था। जॉइंट ऑपरेशन के तहत हम लोगों ने आज इसको सीज किया, करीब 1 किलो के आसपास हमारे पास ये ब्लैक फिल्म सीज हुई है। अभी इसको हम पेनलाइज करेंगे, पेनलाइज करके करीब 5,000 रुपये हम उसका चालान करेंगे और उसको बाद अपने नगर निगम के स्टोर में जमा करेंगे। आज गोरखपुर पुलिस एवं नगर निगम गोरखपुर के जॉइंट ऑपरेशन के अंदर ऑपरेशन ब्लैक फिल्म पिछले 3 दिन से चलाया जा रहा है, तो उसी के संबंध में आज जटेपुर क्षेत्र के अंदर कार जो श्रृंगार के जितना भी कार्य करते हैं फिर छापामारी की गई है, उसमें आप देख सकते हैं पीछे बड़ी मात्रा में ब्लैक फिल्म रिकवर की गई है और उसके ऊपर सुसंगत धाराओं के अंदर चालान किया जाएगा। और बेसिकली एक संदेश देना चाहते हैं गोरखपुर और उसके आसपास के जितने भी लोग जो कार चालक हैं, कोई भी ब्लैक फिल्म का प्रयोग ना करें, ये नियम विरुद्ध है एवं जो भी उसका ब्लैक यूज़ करेगा उसकी गाड़ी सीज की जाएगी एवं चालान किया जाएगा। इसे हमारा मुख्य उद्देश्य है ब्लैक फिल्म लगाकर जो भी किसी प्रकार का अपराध कारित करता है ताकि वो अपराध ना कर पाए। धन्यवाद। जनपद में 141 माध्यमिक शिक्षा परिषद विद्यालय का जांच किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि नियमित रूप से सभी विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है, जिसको देखते हुए माध्यमिक विद्यालय के लिए टीमें गठित करके राजकीय विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिससे कि शासन के निर्देश अनुसार नियमित रूप से शिक्षकों की उपस्थिति वहाँ पर 100% हो सके एवं जो भी शिक्षक अच्छा कार्य कर रहा है उनको सम्मानित किया जा सके, जहाँ लापरवाही बरती जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा सके। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा रिपोर्ट को कलेक्ट किया जा रहा है, जहां पर भी कमी पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा इसे नियमित रूप से निरंतर हम लोग निरीक्षण करते रहते हैं। आज माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीमें गठित करके जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं, एडेड विद्यालय हैं, उनका निरीक्षण किया गया निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर, ताकि जो शासन के मंशा अनुरूप नियमित रूप से शिक्षकों की उपस्थिति वहाँ सुनिश्चित हो सके, वहाँ जहाँ अच्छा काम हो रहा है उनको पुरस्कृत किया जा सके, जहाँ वहाँ शिथिलता या निमित्ता बरती जा रही है वहाँ उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके, और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है और अवस्थापनाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। अभी रिपोर्ट संकलित हो रही है, जहाँ अनुपस्थित पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाएंगी और अगर कोई समस्या संज्ञान में आती है तो अंतर विभागीय समन्वय से उसको हल किया जाएगा। जहां केंद्र सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया है, वहीं मंडल में गेहूं खरीद तेजी से हो रहा है, जिसके संबंध में संभागीय खाद्य नियंत्रक प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई गई है, अब हम लोग किसानों के घर जाकर के गेहूं खरीद रहे हैं, गांव में चौपाल लगाया जा रहा है, किसानों से बात की जा रही है कि सभी किसान भाई सरकारी क्रय केंद्रों पर ही अपना गेहूं बेचे, पहले व्यापारी डायरेक्ट किसानों से गेहूं खरीद रहे थे और बाहर भेज रहे थे, अब सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, लेकिन अब गेहूं की खरीदारी क्रय केंद्रों पर हो रही है। गेहूं के बाहर जाने पर रोक लगने के बाद किसानों से सीधा बात करके गेहूं को खरीदा जा रहा है, जिससे कि किसानों को सीधा सीधा लाभ मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय खाद्य नियंत्रक प्रेम रंजन सिंह ने कहा देखिए गेहूं खरीद में हम लोगों ने इस बार एक स्पेशल व्यवस्था करी हुई है कि किसानों के घर जा जा के हम लोग गेहूं खरीद कर रहे हैं, गांव में चौपाल लगाए जा रहे हैं, किसानों को कन्विंस किए जा रहे हैं कि आप सरकारी क्रय केंद्रों पे ही अपना गेहूं बेचें। परंतु जैसा कि हम लोग को पता है कि पहले गेहूं का एक्सपोर्ट हो रहा था और पूरे विश्व में गेहूं की शॉर्टेज की वजह से व्यापारी डायरेक्ट किसानों से खरीद रहे थे, परंतु अभी गेहूं का क्रय जो है रुक गया, गेहूं का एक्सपोर्ट सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो इससे जो व्यापारी डायरेक्ट खरीद के ले जा रहे थे उसमें कमी होगी और हम लोग किसानों का गेहूं डायरेक्ट अपने क्रय केंद्रों पर खरीदेंगे, तो उम्मीद है कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा।
बीएसए रामेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यू डायस के अंतर्गत डाटा फीडिंग के अधिकारियों की बैठक विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि डाटा के आधार पर कार्य प्रणाली को संचालित करें, विशेषकर शिक्षा विभाग में जिसके लिए यू डायस प्रणाली काफी पुरानी व्यवस्था है, जिस पर भारत सरकार की वेबसाइट पर सभी प्राइवेट विद्यालय राजकीय विद्यालय अपना डाटा फीड करते हैं। नीतिगत निर्णय लेने में व सुधारात्मक कार्रवाई करने में या गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा यू डायस प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है, जिसके लिए विद्यालय के सभी प्रबंधक अध्यापक से अनुरोध है कि यू डायस डाटा को पूरे सत्यनिष्ठा के साथ भरें, इसमें किसी की कोई हानि नहीं होगी बल्कि बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाएंगे और शासन स्तर पर बेहतर निर्णय ले पाएंगे। इसके अलावा गोरखपुर को शिक्षा व्यवस्था में अग्रणी बना पाएंगे। इस अवसर पर बीएसए रामेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए रामेंद्र सिंह और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आपका पोर्टल ही सुपर इंस्पेक्शन का है, उनका सुपरविजर का पोर्टल है। बैठक में ये चीजें उनसे सर्वमान्य नहीं कराते तो नए तरह का विवाद शुरू हो जाता है। अगर आप वहां समझा दीजिए कि यही इंस्पेक्शन पंजिका सुपरविजन पंजिका भी है, उसका नाम ही कह दीजिए इंस्पेक्शन आप एक सुपरविजन पंजिका है, नहीं है तो जो लिख के आया वो यही है, तो आप उसको इंस्पेक्शन आप एक सुपरविजन करा दीजिए उसी में। Whether school management committee has been constituted as per RT norms, जिनके यहाँ बनी हुई है का प्राइवेट में भी कुछ बनाया गया बनती है ऐसी कमेटी नहीं बनती है तो परिषद में जरूर दिखा दीजिएगा, यानी सभी में यह सूबा विवरण लेकर के अपडेट करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स उसी को कहा है कि जिसमें उसी में मल्टीपल क्लासेस, जैसे कि मान लीजिए पढ़ाई भी होती हो, अलग से भी कोई ट्रेनिंग क्लास या स्कूल चलता हो, उस तरीके के बुक टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्ले मटेरियल इसमें एक एक करके पूछा है। टेक्स्ट बुक सबको मिल चुकी है, टेलर मटेरियल भी मिला हुआ है और सभी को ट्रेनिंग मिली हुई है। यस ही होगा, अपने परिषद के लिए सभी का यस ही होना है क्योंकि ये सारी चीजें मिली हुई है। ये यू डायस प्लस जो गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, इस पर प्रत्येक विद्यालय को अपने विद्यालय से संबंधित समस्त सूचनाओं को इस पर ऑनलाइन अपलोड करना होता है। भौतिक सुविधाएं वहाँ पे, बच्चों की सुविधाएं, कितने बच्चे हैं इसमें 12 सेक्शन में बटा हुआ है, वहाँ पे कितने कमरे हैं, इस प्रकार सारी जानकारियाँ ऑनलाइन अपलोड करनी होती हैं और ये मैंडेटरी है, सभी विद्यालयों को यू डायस कोड भरना रहता है। मेरा यही अनुरोध है सभी प्रधानाचार्य से, सभी विद्यालय वालों से कि आप यू डायस प्लस में सहयोग करें। जहाँ कहीं भी आपको समस्या आ रही है, आप ब्लॉक लेवल पे हमारे खंड शिक्षा अधिकारी से मिलें, जनपद लेवल पे DCMIS और हम लोग उनका टेक्निकली सहयोग करेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत हम किसी को आने नहीं देंगे। डेटा के आधार पर हमारी प्रणाली को संचालित करें, विशेषकर शिक्षा व्यवस्था में, उसके लिए यू डायस प्रणाली काफ़ी पुरानी व्यवस्था है, जिसमें भारत सरकार के वेबसाइट में सभी प्राइवेट विद्यालय, शासकीय विद्यालय अपना डेटा फीड करते हैं। उससे नीतिगत निर्णय लेने में, अध्ययन करके सुधारात्मक कार्रवाइयाँ करने में और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, अवस्थापनाओं को संतृप्त करने के लिए मदद होती है। यू डायस प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी प्रबंधकगण, प्रधानाध्यापकगण से अनुरोध करूँगा कि यू डायस डेटा को पूरे सत्यनिष्ठा के साथ भरें, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। डेटा भरने से और बेहतर तरीके से हम अध्ययन कर पाएंगे, जिला स्तर पर, शासन स्तर पर बेहतर निर्णय ले पाएंगे और गोरखपुर जनपद को शिक्षा व्यवस्था में अग्रणी बना पाएंगे। इसमें अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 6 मई को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराने वाली अभियुक्ता को गुलेरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। SP नॉर्थ ने किया खुलासा।
सड़क सुरक्षा व विद्यालय परिवहन को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। कहा, सड़क दुर्घटना के बचाव के लिए चौराहों का किया जा रहा है सुंदरीकरण, लोगों को ट्रैफिक विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति किया जा रहा है जागरूक। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस और नगर निगम की टीम ने चलाया ऑपरेशन ब्लैक फिल्म अभियान। ब्लैक फिल्म में लगी चार पहिया वाहनों की चेकिंग कर उतारा गया ब्लैक फिल्म। दुकानों पर बिक रहे ब्लैक फिल्म को किया गया जब्त, की गई चालान की कार्यवाही। कहा, ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी को किया जाएगा सीज। एक सौ इकतालीस माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों का जिलाधिकारी के निर्देश पर किया गया जांच। जिलाधिकारी ने कहा, कमी पाए जाने वाले विद्यालयों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही। केंद्र सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर लगाया रोक। मंडल में गेहूं खरीद का कार्य हो रहा है तेजी से। संभागीय खाद्य नियंत्रक प्रेम रंजन सिंह ने कहा, टीम किसानों के घर घर जाकर खरीद रही है गेहूं। किसानों को उनकी उपज का मिल रहा है सीधा दाम। यूडाइस के अंतर्गत डाटा फीडिंग की अधिकारियों की बैठक बीएसए रामेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, सभी प्राइवेट व राजकीय विद्यालय यूडाइस पर जल्द से जल्द फीड करें अपना डाटा। बरसात से निपटने के लिए जिला प्रशासन की जोरों पर चल रही है तैयारी। नालों की सफाई के साथ बंधों के मरम्मत का कार्य चल रहा है जोरों पर। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। जल्द ही रामगढ़ ताल में 5-स्टार क्रूज पर जोड़े ले सकेंगे 7 फेरे। डिनर व पार्टी की भी रहेगी व्यवस्था। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। और अल्ट्रासाउंड सेंटरों और अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होमों की नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा की जा रही है निगरानी। शिकायत मिलने पर की जाती है छापेमारी कर वैधानिक कार्यवाही। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय।
मटकू मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला प्रशासन की बरसात से निपटने की तैयारी जोरों पर चल रही है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि बरसात से जल जमाव की स्थिति जो उत्पन्न होती है, जिसके निजात के लिए नालों की सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। एक अभियान चलाकर नालों की सफाई करवाई जा रही है, जिसके अलावा गुड़धैया नाले पर सफाई का कार्य चल रहा है, जिसमें 50% बरसात का पानी जाता है, जिसका कार्य बरसात से पहले पूरा कर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बंधों की मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है, उस कार्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। जहां JEES के प्रकोप से बचने के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र में दस्तक अभियान चल रहा है, घर घर जाकर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात से पहले सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि कहीं पर भी जल जमाव ना होने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जैसे अभी वर्षा ऋतु के पहले हम लोगों का मेन है कि जल जमाव की स्थिति जो उत्पन्न होती है गोरखपुर में, उसको उससे निजात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में नालों की सफाई हो जाए, सिल्ट हट जाए, वहाँ पे नालों को और विशेषकर हमारे जो 50% से ज़्यादा जल निकासी जो गौरदोले नाले में होता है, उसमें मिशन मोड पर काम चल रहा है। समय से पूरा हम काम उसमें करा लेंगे। बाढ़ राहत कार्य सभी प्रारंभ हो गए हैं, सभी तटबंधों का मरम्मत का काम, उसमें सुदृढ़ीकरण का काम, ड्रेजिंग का कार्य वो मिशन मोड पे चल रहा है, वो भी पूरा करवा लेंगे। जहाँ JEES के प्रकोप के बचने के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में संचारी रोग अभियान, दस्तक अभियान चल रहा है, जहाँ घर घर जाके हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, व्यवहार परिवर्तन कर रहे हैं। जहाँ कूड़ा करकट और जल खरपतवार है, उसको हटवाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। उपकरण की व्यवस्था, मानव संसाधन की व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था सब सुनिश्चित की गई है, प्लानिंग की गई है, एग्जीक्यूशन मिशन मोड में चल रहा है, समय से पूर्ण कार्य पूर्ण कर लेंगे। रामगढ़ ताल में जल्द ही 5-स्टार क्रूज पर जोड़े 7 फेरे ले सकेंगे, जिसके संबंध में GDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि रामगढ़ ताल झील स्पीड बोट पर जल्द ही जोड़े शादी की 7 फेरे ले सकेंगे, क्योंकि रामगढ़ ताल में जल्द ही 5-स्टार क्रूज उतरेगा, इस पर जोड़े 7 फेरे ले सकेंगे। वहीं इस क्रूज पर छोटी पार्टियां भी हो सकेंगी। कोई भी नागरिक आबकारी विभाग से लाइसेंस लेकर यहां पर कॉकटेल पार्टी भी कर सकेगा। उन्होंने बताया कि होटल रेडिसन ब्लू से समझौता हो गया है, जिसने सहमति दे दी है। अब गोवा की तर्ज पर हाईटेक क्रूज भी झील में उतरेगा। GDA उपाध्यक्ष ने बताया कि नौकायन पूर्वांचल का सबसे सुंदर जगह है, जहां पर लोग हजारों की संख्या में घूमने के लिए आते हैं। अब लोगों की डिमांड है कि रामगढ़ ताल में गोवा की तर्ज पर क्रूज की व्यवस्था किया जाए, जिसको देखते हुए जल्द ही रामगढ़ ताल में 5-स्टार क्रूज को उतारा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए GDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जैसा कि हम लोग को पता है कि रामगढ़ ताल एक बहुत ही सुंदर जगह है, और इस पूरे क्षेत्र में पूर्वांचल में शायद ही इससे सुंदर कोई जगह हो। यहाँ पे बहुत भारी संख्या में पर्यटक आते हैं, संडे को तो 15,000-20,000 ऐसे संख्या में भीड़ होने लगी है। और जो यहाँ पे बोटिंग है, बोटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों ने यहाँ पे क्रूज़ की डिमांड करी है, लोगों ने यहाँ तक डिमांड करी है कि इसमें फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होना चाहिए, तमाम चीज़ें चल रही थी। तो उसी में हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने में मेहनत करके 2 प्रोजेक्ट हम लोग लेके आ रहे हैं। एक तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए ला रहे हैं, उसके लिए हम लोग जो RFP डॉक्यूमेंट होता है वो तैयार कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी तैयार होगा तो जल्दी वो भी आ जाएगा। दूसरा हम लोग डिनर क्रूज, जो 5-स्टार डिनर क्रूज होता है, उसके लिए भी रेडिसन से हम लोग का टाई अप हुआ है, और रेडिसन जो होटल है वो उसको लाना चाहता है, तो उसके लिए भी हम लोग RFP डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये दोनों व्यवस्थाएं यहाँ लागू हो जाएंगी और पर्यटकों को बहुत लाभ होगा। क्या फिर से बोलो? हाँ, जो डिनर क्रूज आएगा, डिनर क्रूज में कई व्यवस्थाएं रहेंगी। जैसे अगर किसी को बर्थडे पार्टी करना है तो वो कर सकता है, किसी को अगर रामगढ़ ताल में, चूँकि आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का कंसेप्ट है और रामगढ़ ताल बहुत ही सुंदर जगह है, लोग ऐसे झीलों पे शादी करने के लिए विदेशों में जाते हैं, तो वो उसकी सुविधा भी यहाँ पे हो पाएगी। जो क्रूज रहेगा उसमें रेस्टोरेंट की व्यवस्था रहेगी, उसमें अगर कोई शादी करना चाहता है तो शादी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, बर्थडे पार्टी करना चाहे, किसी भी प्रकार का प्रोग्राम करना चाहता है तो उस पर कर पाएगा।
अल्ट्रासाउंड सेंटरों और अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होमों की नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा निगरानी की जा रही है, जिसके बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में रजिस्टर्ड हॉस्पिटलों की संख्या लगभग 3000 है और अल्ट्रासाउंड केंद्रों की संख्या 2600 है। उन्होंने मानक को लेकर बताया कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक डॉक्टर होना चाहिए और चिकित्सालय का बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। अगर किराए पर अल्ट्रासाउंड सेंटर है तो एफिडेविट होना चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों के मानक के बारे में बताया कि पहले MBBS डॉक्टर को दिया जाता था, अभी MBBS डॉक्टर को पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक MD MS या डिप्लोमा चिकित्सक होता है वही अल्ट्रासाउंड सेंटर चला सकता है। उन्होंने कहा कि जनपद में जो भी अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उनके ऊपर नियमित रूप से टीमों के द्वारा निगरानी की जा रही है और जो अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल मिलते हैं उनका समय समय पर छापेमारी की कार्रवाई कर संचालकों को जेल भेजा जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए जनपद में रजिस्टर्ड चिकित्सालयों की संख्या लगभग 3000 है और अल्ट्रासाउंड सेंटरों की संख्या लगभग 2600। देखिए अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के लिए है कि उनके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक चिकित्सक होना चाहिए और उनका चिकित्सालय का बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट का होता है और फायर का होता है, साथ में उनकी भवन का स्वामित्व हो। अगर भवन का स्वामित्व स्वयं का नहीं है तो किराए के भवन का उसका एफिडेविट होना चाहिए। डॉक्टरों का ये है कि डॉक्टर जो है MBBS को पहले दिया जाता था, वर्तमान समय में MBBS को रोक दिया गया है। कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक MD MS या डिप्लोमा चिकित्सक जो होता है वो अल्ट्रासाउंड सेंटर चला सकता है। सर जो बिना रजिस्टर्ड हॉस्पिटल आपके क्या किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? देखिए अनरजिस्टर्ड चिकित्सालय जो हैं अवैध अवैधानिक होते हैं, जो चोरी छिपे लोग चलाते हैं, इन पर नियमित रूप से निगरानी की जा रही है, इनका नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा है और हमारी दस्तामार टीमें बनी हुई हैं जो लगातार इनके ऊपर जो है निगरानी करती हैं और जो जो मिलते हैं उन पर जो है समय समय पर छापेमारी की कार्यवाही भी की जाती है, उनके विरुद्ध FIR और अभियोग दर्ज करा करके उनको जेल भेजा जाता है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 6 मई को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराने वाली अभियुक्ता को गुलेरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। SP नॉर्थ ने किया खुलासा। सड़क सुरक्षा व विद्यालय परिवहन को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। कहा, सड़क दुर्घटना के बचाव के लिए चौराहों का किया जा रहा है सुंदरीकरण, लोगों को ट्रैफिक विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति किया जा रहा है जागरूक। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस और नगर निगम की टीम ने चलाया ऑपरेशन ब्लैक फिल्म अभियान। ब्लैक फिल्म लगी चार पहिया वाहनों की चेकिंग कर उतारा गया ब्लैक फिल्म। दुकानों पर बिक रहे ब्लैक फिल्म को किया गया जब्त। की गई चालान की कार्यवाही। कहा, ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी को किया जाएगा सीज। एक सौ 141 माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों का जिलाधिकारी के निर्देश पर किया गया जांच। जिलाधिकारी ने कहा, कमी पाए जाने वाले विद्यालयों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही। केंद्र सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर लगाया रोक। मंडल में गेहूं खरीद का कार्य हो रहा है तेजी से। संभागीय खाद्य नियंत्रक प्रेम रंजन सिंह ने कहा, टीम किसानों के घर घर जाकर खरीद रही है गेहूं। किसानों को उनकी उपज का मिल रहा है सीधा दाम। UDIS के अंतर्गत डाटा फीडिंग की अधिकारियों की बैठक BSA रामेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, सभी प्राइवेट व राजकीय विद्यालय UDIS पर जल्द से जल्द फीड करें अपना डाटा। बरसात से निपटने के लिए जिला प्रशासन की जोरों पर चल रही है तैयारी। नालों की सफाई के साथ बंधों के मरम्मत का कार्य चल रहा है जोरों पर। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी।
जल्द ही रामगढ़ ताल में 5-स्टार क्रूज पर जोड़े ले सकेंगे 7 फेरे। डिनर व पार्टी की भी रहेगी व्यवस्था। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। और अल्ट्रासाउंड सेंटरों और अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होमों की नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा की जा रही है निगरानी। शिकायत मिलने पर की जाती है छापेमारी कर वैधानिक कार्यवाही। सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। अब मुझे दी इजाजत। नमस्कार।